नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वेकियस फिजिक्स एकेडमी में। क्वांटम फिजिक्स के अंदर हमने प्रत्याशा मान के बारे में पढ़ा था और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए जनरल बीएससी का लेक्चर नंबर रहेगा, 18, यूनिट है आपकी 2 नंबर, और बीएससी बीएड का लेक्चर नंबर रहेगा 24 और यूनिट नंबर है आपकी 2। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि आइगेन फलन और उससे संबंधित आइगेन मान क्या होते हैं, यानी आइगेन फंक्शन और आइगेन वैल्यू क्या होती है, वो आइगेन मान है वो किस प्रकार से अपभ्रष्ट होते हैं, जिसे डी जनरेसी कहा जाता है, अपभ्रष्टता की कोटि कहा जाता है। काफ़ी अच्छा ये टॉपिक रहेगा क्योंकि आगे की जो यूनिट्स हैं जिसके अंदर हमें आइगेन फंक्शन ज्ञात करना होगा, आइगेन वैल्यू ज्ञात करनी होगी, उसके अंदर अच्छा ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। माना फलन साई पर जब एक संकारक ए कैप ऑपरेटर संक्रिया करता है तो आपके पास क्या प्राप्त होता है। ए कैप एक ऑपरेटर है, फलन है आपका यहाँ पर साई, इस पर इसने संक्रिया की और संक्रिया से आपको क्या मिला, ए साई मिला। ए यहाँ पर है कॉन्स्टेंट, एक स्थिरांक है जिसे यहाँ पर आइगेन वैल्यू कहा जाएगा, और साई जो है वो क्या है, एक आइगेन फंक्शन है, इक्वेशन नंबर हो जाती है अपने पास फर्स्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ भी साई था जिस पे ए कैप यानी कोई ऑपरेटर ऑपरेट हुआ, और यहाँ भी साई है लेकिन इसके आगे कॉन्स्टेंट आ गया, यानी ये पूरा का पूरा एक साई का ही गुणित फंक्शन अपने पास हम कह सकते हैं, या एक पद हमारे पास आ गया है। अब इसके अंदर इसकी क्या प्रॉपर्टियां रहेंगी, किस प्रकार से काम करता है, और इस समीकरण को हम अभिलाक्षणिक मान समीकरण कहते हैं। ये जो समीकरण एक टोटल है जहाँ पे आइगेन वैल्यू है, आइगेन फंक्शन है और ऑपरेटर है। तो यहाँ पर एक स्थिरांक है जो तरंग फलन साई का ही एक गुणित है, अतः साई को संकारक ए कैप का आइगेन फलन या अभिलाक्षणिक फलन कहते हैं। यानी ये जो साई है इसको किसका आइगेन फलन या अभिलाक्षणिक फलन कहा जाएगा, इस ए कैप ऑपरेटर का, जिसके कारण ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई, तथा स्थिरांक ए को आइगेन मान कहते हैं। यानी इस ए के ऑपरेटर के ऑपरेट होने के बाद हमें साई फंक्शन मिला, उसे आइगेन फंक्शन कहा, और जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई कॉन्स्टेंट वैल्यू, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उसे आपने आइगेन वैल्यू कहा। तो समीकरण एक में संकारक ए कैप की अभिलाक्षणिक मान समीकरण कहलाती है, वो टोटल समीकरण है, उसको ए कैप की अभिलाक्षणिक मान समीकरण कहते हैं। कॉन्स्टेंट ए एक सम्मिश्र राशि हो सकता है, यानी कि कॉन्जुगेट ये हो सकता है, इसमें रियल भी वास्तविक भी आ सकते हैं और काल्पनिक भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हमने पढ़ा था हर्मिटी संकारक की हमने चर्चा की थी, तो हर्मिटी संकारक के जो आइगेन मान होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, रियल होते हैं, बिल्कुल रियल होते हैं। और ये आगे के वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं हम कि हर्मिटी संकारक के जो आइगेन मान हैं हमेशा ही क्या होते हैं, रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं, और इसके साथ साथ लाम्बिक भी होते हैं। आगे की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि लाम्बिकता क्या होती है, वो क्या प्रॉपर्टी है, और हर्मिशियन संकारक लाम्बिकता और इस वास्तविक वाली वैल्यू को किस प्रकार से फॉलो करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करना आता है परीक्षा के अंदर 3-3 नंबर के अंदर, कि सिद्ध कीजिए कि हर्मिटी संकारक के आइगेन मान सदैव वास्तविक होते हैं या हर्मिटी संकारक लाम्बिक फलन होते हैं, उसके जो फलन है वो क्या होते हैं, लाम्बिक होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको और उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे हमारे पास काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है, यानी समय पर निर्भर न करने वाले, एच कैप साई आर वैक्टर बराबर ई साई आर वैक्टर, ये बिल्कुल सिंपल रूप होता है इसका। अब यहाँ पे टी नहीं है साथ में, इसका मतलब क्या है, समय पर निर्भर नहीं कर रही है, इक्वेशन नंबर होगी 2। अब ये एच कैप जो है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं हैमिल्टोनियन, जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का योग होता है, यानी एच कैप बराबर पी वेक्टर स्क्वायर कैप बटे 2m प्लस वी आर वैक्टर। और जब इसको एच क्रॉस के अंदर हम डिनोट करते हैं, पी बराबर एच क्रॉस के होता है, तो यहाँ पर एच कैप जो है किस रूप में आ जाता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस वी आर वैक्टर, समीकरण नंबर हो जाती है 3। ये रूप जो इसका है, इसको हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने श्रोडिंगर समीकरण बनाई थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं
तो आप बाकी की वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स यूनिट नंबर 2 प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। अब इस समीकरण नंबर 2 के अंदर, यानी यहाँ जो समीकरण है इसके अंदर देखिए, तरंग फलन साई आर वेक्टर एच कैप का एक आइगन फलन है, यानी ये जो साई आर वेक्टर है ये क्या है, इस एच कैप का आइगन फलन है और इसके संगत मान क्या है, ये ई है, इसे आप क्या कहेंगे, आइगन मान ई है और तरंग फलन क्या है यहाँ पे, साई आर वेक्टर एक आइगन फलन है। जिस प्रकार से यहाँ पर ए कैप का आइगन फंक्शन साई था और आइगन वैल्यू थी ए, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर समीकरण 2 की हम बात करें तो साई आर वेक्टर क्या है, एच कैप का एक आइगन फलन है और ई क्या है, उसका एक आइगन मान है। तो अब इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आने वाला है अपने पास कि साई आर वेक्टर और ई के कई भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो सकते हैं आपको, फिर तरंग फलन साई अलग अलग हो सकता है, उसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है और उसके अकॉर्डिंग जो आइगन वैल्यू है उसके भी मान अलग अलग आ सकते हैं। तो इसलिए हम इसको किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, एच कैप साई एन, यहाँ पे देखें एन का मतलब यहाँ पे नंबर से रहेगा 1, 2, 3, 4, यानी साई 1, साई 2, साई 3, अलग अलग डिफरेंट वैल्यू के लिए इसको हम यूज करेंगे। तो एच कैप साई एन बराबर ई एन साई एन, एन का मान यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आप रख सकते हैं। अब इसको सिंपल में कैसे हम देख सकते हैं, देखिए कि मान लीजिए ए कैप ऑपरेटर उसके बराबर डेल अपॉन डेल एक्स है, सपोज करें कि ए ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन है, और आपके पास फलन साई एक्स का मान कितना है, कैपिटल एन ई की पावर ए एक्स, ठीक है। अब अपने को जो समीकरण एक थी ए कैप साई एक्स, उसके अकॉर्डिंग अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए कैप की वैल्यू क्या थी, डेल अपॉन डेल एक्स थी, और साई एक्स की वैल्यू क्या थी, एन ई की पावर ए एक्स। इसका अवकलन जब हम करेंगे तो एन तो कॉन्स्टेंट है, ये तो सेम रहेगा, e की पावर का होता है, e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, ए एक्स है, तो ए जो है वो कॉन्स्टेंट आ जाएगा आगे, तो यहाँ पे आने के बाद क्या आएगा, ए एन ई की पावर ए एक्स, और ए को छोड़ के ये बाकी जो यहाँ पे स्टेप है ये देखें सारा का सारा क्या है, साई एक्स ही है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी, ए कैप साई एक्स बराबर ए साई एक्स, यानी आ गया ना, इसको हमने प्रूफ कर लिया, कोई भी फलन मान सकते हैं आप, कोई आप ऑपरेटर मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक आइगन फंक्शन प्राप्त होता है और एक आइगन वैल्यू प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ए कैप का आइगन फलन क्या था, एन ई की पावर ए एक्स, और इसके संगत आइगन मान क्या है, स्मॉल ए है, ये है आइगन मान। तो ये तो थे आपके आइगन फलन और आइगन मान क्या होते हैं। अब इसके अंदर इसी से रिलेटेड है अपभ्रष्टता, जिसे डी जनरेसी कहा जाता है, इसको भी समझना काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे ये काम आने वाली है कि अपभ्रष्ट कब होता है और अनअपभ्रष्ट किसे कहते हैं और अपभ्रष्टता की कोटि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि फलनों पर कोई संकारक लगाया जाए, यानी अलग अलग फलन पे आप कोई ऑपरेटर ऑपरेट करें, तो अलग अलग फलनों के लिए एक ही आइगन वैल्यू प्राप्त हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आइगन वैल्यू है उसे आप अपभ्रष्ट आइगन वैल्यू कहते हैं। यानी कि आप क्या करें, अलग अलग आपके पास फंक्शन हो, जैसे साई वन है, साई टू है, साई थ्री है, अलग अलग फंक्शन है, उनकी वैल्यू अलग अलग है, और उन पे आप एक जैसा ऑपरेटर ऑपरेट करें, जैसे ए कैप साई वन, ए कैप साई टू, ए कैप साई थ्री, और वे सारे अगर एक ही आइगन वैल्यू देते हैं आपको, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आइगन वैल्यू है वो अपभ्रष्ट आइगन वैल्यू कहलाती है, डी जनरेट कहलाती है, और जितने फलनों के साथ वह जुड़ा हुआ होगा, यानी आप साई वन, साई टू, साई थ्री अगर तीन ले रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी जो संख्या है वो कहलाएगी अपभ्रष्टता की कोटि, जिसे स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से ए कैप है वो साई वन पे ऑपरेट हुआ, तो आपको मिला ए साई वन, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से ए कैप है वो साई टू पे ऑपरेट हुआ, तो मिला ए साई टू, ए कैप साई थ्री से मिला ए साई थ्री, यानी यहाँ पे फंक्शन तो चेंज हो रहे हैं लेकिन आइगन वैल्यू आपको ए ही प्राप्त हो रही है। अब आपकी जो संख्या है वो क्या है, तीन है, तीन पे ऑपरेट हुआ तीन फलनों पे, तो यहाँ पे अपभ्रष्टता की कोटि कितनी हो जाएगी, तीन हो जाती है। और अगर ए की वैल्यू प्राप्त होती है तो उसे आप कहते हैं अन अपभ्रष्ट, और वहाँ पे कोटि होती है हमेशा ही वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आइगन मान एक आइगन फलन से जुड़ा हो, अगर एक अकेला आइगन मान सिर्फ एक आइगन फंक्शन से ही जुड़ा हो, तो उसे आप क्या कहते हैं, अन अपभ्रष्ट आइगन मान कहा जाता है। जिस प्रकार से ए कैप साई वन से अगर आपको ए वन साई वन मिले तो जी का मान एक हो जाएगा, ए कैप साई टू से आपको ए टू साई टू मिले तो जी का मान भी एक हो जाएगा।
यानी इसका मतलब ये है कि यदि एक ऐप को आपने साइमन पे ऑपरेट किया और आपको मिला मान लीजिए A1 साइमन मिला, उसी एक ऐप को अगर आपने साइटू पे ऑपरेट किया तो आपको A1 नहीं मिला, A1 के अलावा कुछ और मिला जिसे आपने कहा A2 और फलन आपका साइटू। यानी इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि ये आइगन मान है वो चेंज हो गए, यानी सिंगल साइमन के लिए सिंगल ही आइगन वैल्यू है, साइटू के लिए आइगन वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो आइगन वैल्यू है उसे अनअपभ्रष्ट नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू कहेंगे आप, और इनकी कोटि कितनी होगी, सिंगल ही कोटि होती है, एक ही कोटि होती है। इस प्रकार से आपने देखा कि आइगन वैल्यू क्या है, आइगन फंक्शन क्या है, और अपभ्रष्ट और अनअपभ्रष्ट आइगन वैल्यू किसे कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।